केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए 4% बढ़ाकर 46% कर दिया है। इसका सीधा फायदा करीब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को होगा। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में बुधवार को हुई है। बता दें कि इसमें बड़ा फैसला लिया गया है। कर्मचारियों को नवम्बर के महीने से बढ़ी हुई सैलरी भी मिलेगी। इसमें जुलाई और अक्टूबर के बीच की अवधि का एरियर भी शामिल होगा। इस फैसले से सरकार पर हर साल करीब 12,857 करोड़ रुपए का भार आएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे विभाग के 11,07,340 नॉन गजेटेड कर्मचारियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का भी फैसला लिया गया है। इस त्योहारों के समय भी एक ऐसा निर्णय जो हमारे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का दे डेयरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का दे डेयरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी जब 4% बढ़ोतरी हुई। सालाना वित्तीय वर्ष यानी कि सालाना इसका कितना सरकार के ऊपर व्यय पर वित्तीय भार